वेलकम फ्रेंड, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रुप में आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच फर्स्ट ओडीआई मुकाबला, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में इस मुकाबले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है जो कि मीरपुर बांग्लादेश में है। दोस्तों एक अच्छी विकेट है बल्लेबाजी के लिए और साथ में स्पिनर के लिए थोड़ी सी मदद मिलती है। मैं आपके लिए सभी साथ में बताता चल रहा हूं, इससे आप इन स्टेट्स पर ध्यान दीजिएगा। यदि बात की जाए ओवरऑल यहां पर 109 ओडीआई खेले गए, इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 50 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 59 मुकाबले विन किए हैं। यदि बात की जाए यहां पर एवरेज के बारे में तो यहां पर एवरेज निकल कर आता है 228 रन, हाईएस्ट स्कोर 370 जो कि शायद इंडिया ने वर्ल्ड कप के मैच में बनाए थे 2011 में, जिसमें सहवाग ने दोस्तों अच्छे खासे स्कोर किया था। उसके अलावा लोएस्ट स्कोर आप यहां पर देख सकते हो 58 रन, यहां पर लोएस्ट स्कोर है जो कि बांग्लादेश ने ही बनाए थे। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हो 200 से नीचे 31 बार स्कोर बना है, 200 से लेकर 249 तक आपके लिए 37 बार स्कोर देखने को मिला है, 250 से 299 तक आपके लिए 29 बार स्कोर देखने को मिला है और संभवतः आपके लिए 250 से 299 तक स्कोर देखने को इस मुकाबले में भी मिल सकता है। उसके अलावा 300 से ऊपर मात्र आपके लिए 12 बार स्कोर बना है। यदि बात की जाए दोनों हेड टू हेड मुकाबले के बारे में तो दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 48 मुकाबले खेले गए, इनमें से बांग्लादेश ने मात्र 7 मुकाबले जीते हैं, वहीं श्रीलंका ने 39 मुकाबले जीते हैं। दो मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन दोस्तों आप भूल जाइएगा ये स्टेट्स, उसके पीछे रीजन है क्योंकि बांग्लादेश टीम काफी मजबूत हो गई है और श्रीलंका टीम काफी कमजोर हो गई है, इसलिए आपके लिए कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर दोनों ही टीमों की संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर और लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर तमीम इकबाल लिटिल दास के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर आपके लिए साकिब अल हसन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। साकिब अल हसन एक शानदार बल्लेबाज हैं और दोस्तों एक बात आपके लिए मैं बता दूं, तमीम इकबाल ने इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन किए हैं जबकि साकिब अल हसन सेकंड नंबर पर हैं इस वेन्यू पर रन करने में, तो आप इन बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा। नंबर 4 पर मुस्तफिजुर रहमान आ जाएंगे, आपके लिए रहीम बल्लेबाजी के लिए आएंगे, एक शानदार बल्लेबाज हैं और दोस्तों इनकी टीम की रीढ़ की हड्डी यदि मैं कहूं बल्लेबाजी की तो कोई अतिशयोक्ति वर्णन नहीं होगा। यहां पर इनकी टीम की रीढ़ की हड्डी है मुशरिक हुसैन और दोस्तों मोहम्मद मिथुन में से एक कोई खेलता हुआ नजर आ जाएगा। नंबर 6 पर आपके लिए यहां पर सौम्या सरकार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, काफी अच्छे बल्लेबाज है, हालांकि सौम्या सरकार को ऊपर भेजा जा सकता है, नंबर 5 पर भी भेजा जा सकता है। अब दोस्तों इनके साथ समस्या क्या है कि मोहम्मद मिथुन भी ओपन करते हैं, लिटिल दास भी ओपन करते हैं, उसके अलावा सौम्या सरकार, हालांकि सौम्या सरकार T20 में ओपन करते हैं, तो दोस्तों इनके पास ज्यादा ओपनर हो गए हैं। 4 ओपनर मैंने अभी बताया, एक जिनको जो रेगुलर ओपनर है और कैप्टन है तमीम इकबाल वो तो है ही है, इसके अलावा भी 3 ओपनर हैं, तो इनके पास थोड़ी सी दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने में समस्या आ सकती है। उसके अलावा मेहंदी हसन मिराज काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों, T20 में इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस कर दिया है, यदि आप इन्हें ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और दोस्तों एक बात याद रखना, ग्रैंड लीग की टीम आपके लिए यहीं से इंफॉर्मेशन से तैयार करनी पड़ेगी, जो हम 11 से 12 ग्रैंड लीग की टीम तैयार करेंगे तो वो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर चलेगी, आपने वीडियो कितनी देखी हो उस हिसाब से आपकी विनिंग होगी। इस यहां पर सौम्या सरकार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर लेते हैं, मेहंदी हसन मिराज भी आपके लिए शानदार, इनके रिकॉर्ड है डोमेस्टिक रिकॉर्ड, उसके अलावा मोहम्मद सैफुद्दीन एक अच्छे खासे गेंदबाज हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तस्कीन अहमद और रहमान आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और रहमान ने तो अभी आईपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था, तो आप रहमान को तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बात करें श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका दोस्तों निरोशन डिकवेला गुना तिलका के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, यदि कुशल परेरा आपके लिए ओपन करेंगे तो डिकवेला आपके लिए नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पर आपके लिए कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, नंबर 4 पर कुशल परेरा, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया थोड़ा इंटरचेंज हो सकता है। नंबर 5 पर धनंजय डी सिल्वा, ये दोस्तों गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी को लेकर भी काफी कंसिस्टेंस ये हैं। दसुन सनाका नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। बिंदु हसरंगा, इन्होंने जो श्रीलंका प्रीमियर लीग हुआ था उसमें काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी से इतना ज्यादा
प्रभावित नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी इन्होंने काफी शानदार की थी। नंबर 8 पर आपके लिए इसरू उदाना, ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं अपनी टीम की ओर से और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा शायद 2018 के मुकाबले तो थे तब इन्होंने अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी की थी और काफी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की थी। दोस्तों सुरंगा लखमल और अखिला धनंजय में से एक कोई खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अब कौन खेलेगा उसके बारे में अपडेट आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके लिए टेलीग्राम पर ही मिलती है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर दोस्तों आपके लिए, यहां पर नंबर 10 पर आपके लिए संदकन ने भी श्रीलंका प्रीमियर लीग में काफी ज्यादा प्रभावित किया। उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो चमीरा दोस्तों एक शानदार गेंदबाज है, इनके पास स्पीड भी काफी अच्छी है, उसके अलावा लाइन लेंथ भी काफी अच्छी है, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करें दोस्तों अब हम कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में यदि चर्चा की जाए, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो सबसे पहले नाम आता है कुशल परेरा का। कुशल परेरा ने बांग्लादेश के खिलाफ 12 मुकाबले खेले हैं, इनमें से दोस्तों इन्होंने 445 रन बनाए, 111 इनका हाईएस्ट और 40 का इनका एवरेज रहा है और 2 शतक भी लगाए हैं, तो कुशल परेरा को आप एज अ इंपोर्टेंट प्लेयर नोट करिएगा। उसके अलावा कुशल मेंडिस जो कि फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, 10 मुकाबले खेले हैं, इनमें से 9 इनिंग्स में इनकी बल्लेबाजी आई है, यहां पर देख सकते हो 345 रन बनाए, 102 हाईएस्ट है, इसमें 1 शतक है इनकी दोस्तों और 43 के एवरेज, सबसे ज्यादा एवरेज है। जी हां दोस्तों सबसे ज्यादा एवरेज है और 250 भी इन्होंने साथ में इसके लगाई हैं। वहीं बात करें दोस्तों आपके लिए कुशल गुना तिलका के बारे में, तो गुना तिलका ने मात्र 5 मुकाबले खेले हैं और मात्र 84 रन किए हैं। वहीं डिगवेला के बारे में बात करें तो 3 मुकाबले की 2 पारी में 58 रन इन्होंने बनाए और सनाका भी अभी इतने खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो आप इन दोनों प्लेयर को नोट करिएगा यहां पर, कुशल परेरा और कुशल मेंडिस, ये इंपोर्टेंट प्लेयर दोस्तों आप नोट कर चलिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका के बॉलर और बांग्लादेश के बल्लेबाज, तो यहां पर नाम आता है सबसे पहले धनंजय अखिला धनंजय का। अखिला धनंजय आप देख सकते हो 5 मैच की 4 इनिंग्स में 6 विकेट इन्होंने निकाले और दोस्तों शायद आपके लिए नागिन डांस का भी तड़का इस मैच में देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों अखिला धनंजय से याद आ गया। उसके अलावा चमीरा ने 2 मैच की 2 इनिंग्स में 3 विकेट निकाले, आप यहां पर देख सकते हो 4 विकेट निकाले, तो चमीरा और दोस्तों अखिला धनंजय को आप इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट कर सकते हो। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों धनंजय डी सिल्वा ने 3 मैच की 3 इनिंग्स में 4 विकेट इन्होंने भी निकाले हैं, तो दोस्तों एक कुछ रिकॉर्ड है। और संदकन ने भी दोस्तों 2 मैच की 2 इनिंग्स में 3 विकेट निकाले हैं। भाई यदि बांग्लादेश के प्लेयर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले बांग्लादेश के बल्लेबाजों के बारे में बात की जाए, तो यहां पर आप देख सकते हैं मुस्तफिजुर रहीम, इन्होंने 30 मैच खेले हैं दोस्तों इनके खिलाफ और उसमें 783 रन बनाए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए मुस्तफिजुर रहीम हो जाते हैं। उसके अलावा तमीम इकबाल ने 24 मैचों की 23 इनिंग में 666 रन बनाए हैं। साकिब अल हसन दोस्तों आप इन्हें नोट करिएगा, इनके खिलाफ दोस्तों इन्होंने 607 रन बनाए हैं 22 मुकाबलों की 20 इनिंग्स में, उसमें साथ साथ इन्होंने 15 विकेट भी चटकाए हैं, तो आप यहां पर जो टॉप 3 प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहीम, तमीम इकबाल, साकिब अल हसन, इनको नोट करिएगा। उसके अलावा महमूद उल्लाह के बारे में बात करें तो 27 मैच इन्होंने भी खेले हैं, 24 में बल्लेबाजी आई है और आप यहां पर देख सकते हो 429 रन इन्होंने बनाए हैं। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों यहां पर सौम्या सरकार, मेहंदी हसन मिराज और दोस्तों मोहम्मद मिथुन और मुशदेक हुसैन, आप इन्हें ग्रैंड लीग के लिए नोट करिएगा। जी हां दोस्तों ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट पिक हो सकते हैं, स्मॉल लीग में मैंने जैसा कि आपके लिए बताया तो रहीम है, तमीम इकबाल और दोस्तों साकिब अल हसन और सौम्या सरकार को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों से इंपैक्ट कर आपको दे सकते हैं। आप यहां पर रिकॉर्ड देख लीजिएगा या तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या दोस्तों आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपके लिए यहां पर सभी के रिकॉर्ड अभी बता रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के बॉलर और श्रीलंका के बल्लेबाज, तो यहां पर देख सकते हो रहमान के 9 मैच की 9 इनिंग्स में 15 विकेट निकाले हैं, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और साकिब अल हसन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 22 मैच की 15 इनिंग्स में 15 विकेट इन्होंने निकाले हैं, मतलब थोड़े से दोस्तों बल्लेबाजी से इतना साकिब ने गेंदबाजी से इतना इंपैक्ट नहीं डाला जितना कि बल्लेबाजी से डाला है। उसके अलावा महमूदुल्लाह ने 27 मैच की 19 इनिंग्स में 9 विकेट निकाली, लेकिन अब बात बता दूं मैं दोस्तों महमूदुल्लाह ने गेंदबाजी करना कम कर दिया, तो शायद इतनी ज्यादा गेंदबाजी ना करें। मैं सौम्या सरकार का मैं टाइप करना भूल गया, यहां पर 7 मुकाबले में दोस्तों 8 विकेट सौम्या सरकार ने भी निकाले हैं, तो अभी सौम्या सरकार को आप नोट करिएगा, क्योंकि रिसेंटली जो इनका परफॉर्मेंस था सौम्या सरकार का तो वो काफी शानदार था, तो अभी आप सौम्या सरकार को अपनी स्मॉल लीग की टीम में नोट कर सकते हैं।
सकते हो, जबकि आपके लिए महमूदुल्लाह, मेहंदी हसन, मिराज, ग्रैन लीग की अच्छी चॉइस हो जाती है। तो चलिए तैयार करते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है स्टैट्स निकालने में और सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पर रहीम के बारे में। रहीम आपके लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे और सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर है। कुशल परेरा भी लगभग नंबर 4 पर प्लेयर करेंगे बल्लेबाजी करेंगे और ए श्रीलंका की ओर से सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर है। तो फिलहाल की स्थिति में इन दोनों को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा। डिकवेला नंबर 4 पर या ओपन करेंगे। तो दोस्तों डिकवेला को आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ग्रैन लीग की कम से कम 2 टीमों में तो आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन डिकवेला को ट्राई करिएगा। मैं स्मॉल लीग की टीम में इन्हें अवॉइड कर चल रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में। बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में बात की जाए तो तमीम इकबाल आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, तो यहां पर तमीम इकबाल को ट्राई करूंगा। उसके अलावा गुना तिलका आपके लिए, धनंजय गुना तिलका शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। सौम्या सरकार आप इन्हें भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों आपके पास यहां पर गुना तिलका है, गुना तिलका, धनंजय डी सिल्वा और कुशल मेंडिस, ये 3 इंपोर्टेंट प्लेयर हैं श्रीलंका की ओर से। अब इनमें से किन 2 प्लेयर को ट्राई करना है या तीनों को आप ट्राई करना चाहते हो वो डिपेंड आप पर करने वाला है। धनंजय डी सिल्वा और कुशल मेंडिस पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर दे रहे हैं श्रीलंका के लिए। और दोस्तों इसके अलावा गुना तिलका भी आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहां पर मैं दोस्तों इन तीनों को फिलहाल की स्थिति में ट्राई कर रहा हूं। फिलहाल आप यदि आप कुशल मेंडिस को हटाना चाहते हो तो बिल्कुल हटा सकते हो। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। यहां साकिब अल हसन बाय डिफॉल्ट चॉइस रहेंगी और आपके लिए एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत शानदार ऑप्शन ही रहने वाले हैं। उसके अलावा बिंदु हसरंगा एक अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, या तो आप बिंदु हसरंगा को ट्राई कर सकते हो या दोस्तों आप यहां पर जाकर कुशल मेंडिस को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल की स्थिति में बिंदु हसरंगा को अपनी टीम में ट्राई करूंगा। उसके अलावा आपके पास यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, इसरू उड़ाना है, सनाका है दोस्तों। उसके अलावा मुस्तफा हुसैन तो शायद खेलते हुए नजर आ जाए, और दोस्तों आफिफ हुसैन को भी मौका नहीं मिलेगा। यदि इन्हें मौका मिलेगा तो आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति में इन दोनों को ट्राई कर रहा हूं। यदि आप हसरंगा की जगह ट्राई करना चाहते हो कुशल मेंडिस को तो बिल्कुल आप कर सकते हो, मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं माई फेव इलेवन के बारे में बता देना चाहता हूं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए सिंपली Raj123 कोड डालना है। जैसे ही आप Raj123 कोड डालोगे आपके लिए हमारी तरफ से ₹50 का कैश बोनस आ जाएगा। बहुत शानदार एप्लीकेशन है, आप एक बार जरूर इसे ट्राई कर देखिएगा। दोस्तों इस पर खेलने के लिए मैं क्यों रिकमेंड करता हूं, लो एंट्री फीस, 1-2 मिनट में बैंक विड्रॉ, लो कंपटीशन। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए क्रेडिट इश्यू का फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम ₹100 डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए 200 मिलेंगे और 200 करते हो तो 400, मतलब आप जितना भी डिपॉजिट करते हो उसका डबल हम आपके लिए देंगे। यदि आप 5000 डिपॉजिट करते हो तो हम आपके लिए 10000 देने वाले हैं। तो दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई कर इसको देखिएगा। यहां पर 100% कैश बोनस यूजेबल लीग है। जैसे ही आप हमारा कोड डालोगे Raj123 डाउनलोड कर तो ₹50 आएंगे दोस्तों, तो उससे आप एक दोनों कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा लगे तो इस पर आप रेगुलर कर सकते हो, अदरवाइज आप दोस्तों अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार ट्राई आप जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं यहां पर बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में मुस्तफिजुर रहमान है, इन्हें बिल्कुल डेफिनेटली मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं। उसके अलावा सैफुद्दीन आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। यदि आप यहां पर सैफुद्दीन को ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, चमीरा और अखिला धनंजय को। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों इन दोनों को ट्राई कर रहा हूं। यदि आप अखिला की जगह सैफुद्दीन को ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहां पर आपके लिए ऑप्शन काफी सारे खुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों उन ऑप्शंस के उपयोग हम कब करेंगे, आफ्टर टॉस। जैसे ही आपके लिए टेलीग्राम पर दोस्तों टीम मिल जाएगी और हमारे पास न्यूज आ जाएगी तो टेलीग्राम पर हम आपके लिए सब कुछ डिस्कस करके बता देंगे। तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं यहां पर हम टीम के फाइनल प्रीव्यू और कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। यहां दोस्तों आपके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। सबसे पहले हम बांग्लादेश की टीम की ओर से बात करें तो रहीम है, तमीम इकबाल है और साकिब अल हसन है। 3 दोस्तों इनकी ओर से इंपोर्टेंट है। आप इनमें दोस्तों ग्रैन लीग के देखकर चलिएगा, स्मॉल लीग में तो साकिब अल हसन सबके आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मिलने वाले हैं। लेकिन ये 3 ऑप्शन मैं क्यों दे रहा हूं ग्रैन लीग के लिए। उसके अलावा यदि श्रीलंका की ओर से बात करें कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए तो कुशल परेरा है, डी सिल्वा है और दोस्तों गुना तिलका, ये 3 श्रीलंका की ओर से ऑप्शन है। तो आपके लिए मैंने 6 ऑप्शन
ऑप्शन बता दिए, आप इन्हें लॉक कर कर चलिएगा ग्रैंड लीग के लिए। और स्मॉल लीग के कंफर्म कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। फिलहाल की स्थिति में आपके लिए स्मॉल लीग में सबके कैप्टन या वाइस कैप्टन साकिब तो मिलने वाले ही हैं, और हम फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे आफ्टर टॉस, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।